टूटती है एंड उसके बाद ब्लीडिंग होती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, कितना इसमें सच्चाई है, उनके बारे में हमने डिटेल में हम बात करने वाले हैं लड़कों की। क्या लड़कों में भी सील होती है? तो यस, उनमें भी सील होती है, लेकिन उससे भी कि ये जो स्किन है उससे अटैच होता है, ठीक है, स्किन से अटैच होता है और साथ में जो हेड वाला हिस्सा है वहां तक ये इस तरीके से अटैच होता है। लड़कियों को लेके तो ये टॉपिक बहुत ही कॉमनली डिस्कस किया जाता है कि लड़कियों में एक सील होती है जो कि फर्स्ट टाइम रिलेशन बनाने के बाद ही वो टूटती है एंड उसके बाद ब्लीडिंग होती है, लेकिन क्या सही है क्या गलत है, कितना इसमें सच्चाई है, उनके बारे में हमने डिटेल में बात किया कि कितने तरीके की अगर कोई सील है तो वो कितने तरीके की होती है, किस तरीके से होती है और ये कब टूट सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग होती है या नहीं होती, इसके ऊपर हमने बहुत डिटेल में बात की है। अगर आपको वीडियो देखना है तो यहाँ पर जाइए, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं लड़कों की, क्योंकि देखिए लड़कियों के बारे में तो बहुत सारी बातें होती हैं लेकिन लड़कों के बारे में ये बातें बहुत कम होती हैं और उनको सही का पता भी नहीं होता है बहुत सारे लोगों को, जिसकी वजह से उनको बहुत कुछ झेलना भी पड़ता है। अब हम बात इसके बारे में करेंगे कि क्या लड़कों में भी सील होती है? तो यस, उनमें भी सील होती है, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट बात क्या है, क्या जिस तरीके से आप लोग सोचते हैं कि लड़कियों में टूट जाती है तो क्या लड़कों में भी ये सील टूट जाती है जब वो उसे मास्टरबेट करते हैं या फिर किसी के साथ रिलेशन बनाते हैं, तब क्या टूटनी जरूरी है? अगर नहीं टूटती है तो क्या दिक्कत होती है, और अगर अपने आप टूट जाती है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर किसी किसी को रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम हो रही है या फिर किसी के साइज में प्रॉब्लम हो रही है इस सील की वजह से तो क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, ठीक है, बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से हम समझेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो किसी तरीके की मिथ आप अपने माइंड में ना पालें कि किस तरीके से ये होना चाहिए, किस तरीके से नहीं होना चाहिए, टूटना जरूरी है कुछ लोग सोचते हैं। तो चलिए इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एक मैंने रफ्सा डायग्राम बनाया है पुरुषों के जो प्राइवेट पार्ट है उसका, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि ये जो हिस्सा है जो पाइप के जैसे आपको दिखाई दे रहा है ये शाफ्ट है एंड आगे वाला जो होता है ये हेड होता है, ठीक है। तो जो हम बात करने वाले हैं सील की तो वो कहाँ पे होती है, एक्चुअल में यहाँ पे एक टिश्यू होता है इस तरीके से, एक बैंड के जैसा होता है, स्किन का ही बना हुआ होता है ये समझिए, और ये इस तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट होता है। अब ये किस तरीके से कनेक्टेड होता है कि जो आगे की जो स्किन होती है, जो मूवेबल स्किन होती है मेल के अंदर, जो मूव कर सकती है आगे पीछे आगे की स्किन, तो यहाँ पे एक स्किन होती है इस तरीके से, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो स्किन है उससे अटैच होता है, ठीक है, स्किन से अटैच होता है और साथ में जो हेड वाला हिस्सा है वहां तक ये इस तरीके से अटैच होता है, तो यही होती है एक्चुअल में क्या सील। अब देखो प्रॉब्लम क्या होती है, अब मैंने बताया कि क्या ये टूटना जरूरी है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये टूटे ही, ठीक है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, क्योंकि ये जो बैंड है ये नॉर्मली कैसा होता है, ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, मतलब आसानी से आगे पीछे मूव कर सकता है, ये जो स्किन है जो हम टिश्यू बोल रहे हैं, तो ये आगे पीछे आराम से क्या कर सकता है, फ्लेक्सिबल है, खींच सकता है, एक बैंड की तरह होता है, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। लेकिन किसी किसी में क्या हो जाता है, प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, तो हर किसी में टूटे ये जरूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। ऐसा नहीं है कि जैसे आप लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि टूटना जरूरी है, तो ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। दूसरी बात कि अगर ये अपने आप थोड़ा ब्रेक हो जाता है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है, देखिए कभी कभी तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि जब ये ब्रेक होता है फिर उसके बाद ये नॉर्मली, ये ब्रेक कब होता है, जब या तो आप खुद से मास्टरबेट कर रहे हैं या फिर किसी के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो उस टाइम में ये हो सकता है ब्रेक हो जाए, इसके ऊपर थोड़ा खिंचाव आता है जिसकी वजह से क्या हो सकता है, ये ब्रेक हो सकता है, टूट जाता है। तो किसी किसी में तो कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा ब्लीडिंग हुआ और ये ठीक हो जाता है, लेकिन किसी किसी में बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग भी होती है, इसमें जब ये टूटता है तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है और उनको प्रॉब्लम बढ़ जाती है, यहाँ पे स्कारिंग हो जाती है, मतलब जब भी स्कार बनता है तो ये वाला जो हिस्सा है और ज्यादा टाइट हो जाता है और ये थोड़ा सा सिकुड़ सा जाता है, ठीक है, हार्ड हो जाता है, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम आगे और ज्यादा होती है। कब प्रॉब्लम होती है, जब वो रिलेशन बनाता है तब प्रॉब्लम होती है या फिर मास्टरबेट करता है तो प्रॉब्लम होती है। और इसकी वजह से अगर ये किसी किसी में बहुत छोटा है तो और भी क्या हो सकता है कि किसी का जो रिलेशन बनाने का जो टाइमिंग है वो भी बहुत कम हो जाता है, क्योंकि वो बहुत ही जल्दी जो अपना जो लिक्विड है वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको
बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेंसिटिविटी फील होती है और उनको पेन भी फील होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते किसी किसी में, मतलब रिलेशन बनाना ही क्या हो जाता है, दुभर हो जाता है उनके लिए, पेनफुल प्रोसेस हो जाता है, तो उनके लिए भी ये सही नहीं होता। तो ये ऐसे लोग बहुत ही कम होते हैं, मतलब 2-3% ही ऐसे लोग होंगे जिनमें ये बैंड है वो बहुत छोटा है और उनको मतलब पेन फील करवाता है जब भी इनके बारे में वो सोचता है, रिलेशन बनाने के बारे में या फिर मास्टरबेट करने के बारे में सोचता है तो उनको पेन फील होता है। किसी किसी में क्या होता है कि जब मॉर्निंग में जब तनाव आता है पुरुषों में इस पार्ट में तो भी इनको पेन होता है, तो उनके लिए दिक्कत है, तो उसके लिए समाधान भी होते हैं। तो अगर एक्चुअल में किसी के साथ इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं, इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो उनको डॉक्टर से मिलना चाहिए, ठीक है, जो भी सेक्सोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनको अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल खुल के उनके साथ डिस्कशन होना चाहिए। अपने आप से अगर आप इलाज करते हैं तो क्या हो सकता है, देखिए उसके बारे में आप बहुत अच्छे से समझिए। कुछ लोग क्या हैं, ये समझते हैं कि अगर हम इसको ब्लेड से कट कर दें, ठीक है, इसको हटा दें तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपको पता है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम को आप इनवाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब हम यहाँ से देखिए हमारी जो बॉडी है उसमें अगर हम कहीं से भी कोई टिश्यू हटाते हैं, ठीक है, जब वो हटता है तो एक हीलिंग का प्रोसेस होता है हमारी बॉडी में, कि यहाँ पे क्या बनता है, स्कार बनता है, ठीक है, स्कार बनता है तो क्या होगा, जो स्कार बनता है तो स्किन को एक तरीके से वो खींचता है, जितना उसका देखिए हमें कहीं भी चोट लगती है, मान लीजिए यहाँ पे चोट लग गई तो उसके बाद जो वो चोट ठीक होती है, जो हील होती है पूरी तरीके से, तो उसके बाद वो जगह है वो सिकुड़ जाती है थोड़ी सी, आपने भी देखा होगा। अगर आप पुरुषों की सेक्सुअल हेल्थ को लेकर कोई प्रोडक्ट ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहती हूँ, जो कि एक कॉम्बो पैक है जिसमें आपको एक कैप्सूल मिलेंगे, ठीक है, मिस्ट्रेस कंपनी के डेली जोस कैप्सूल एंड मिस्ट्रेस कंपनी की एनहेंस क्रीम है जो कि आपको प्राइवेट पार्ट पर लगानी है, ये कैप्सूल आपको खाने के लिए होते हैं। अब ये जो कैप्सूल है ये ट्रेडमार्क मॉलिक्यूल जो कि टेस्नर होता है उससे मिलकर बना हुआ है। अब ये टेस्नर क्या है, तो उसमें होता है अनार और जो ककोआ सीड्स होते हैं उनका एक्सट्रैक्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, एक तरीके से आपका नेचुरल तरीके से जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, जो फ्री टेस्टोस्टेरोन है वो इंक्रीज होता है, अगर वो इंक्रीज होता है तो आपकी जो गुड हॉर्मोन्स हैं वो भी अच्छे तरीके से काम करते हैं, आपको अच्छी नींद मिलती है और स्ट्रेस का लेवल कम हो जाता है। जब भी टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में बढ़ता है तो क्या होता है कि आपकी जो फंक्शनिंग है, सेक्सुअल जो एक्टिविटी है वो भी प्रॉपर तरीके से आप कर पाते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम है जो कि आपकी जो मसल्स की जो स्ट्रेंथ है उसको भी इंक्रीज करती है। तो अगर हम अब हम बात करते हैं इस कॉम्बो में इस क्रीम की, तो जो प्राइवेट पार्ट पे लगाने के लिए होती है तो ये क्या काम, बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है जो कि है एल आर्जिनिन। अब एल आर्जिनिन क्या काम करता है कि जो ब्लड का जो फ्लो है वेसल्स के अंदर उसको सही करता है, ठीक है, जब ब्लड का फ्लो सही होता है तो आपका जो इरेक्शन की जो प्रॉब्लम है उसमें भी सही होने में हेल्प होती है, ठीक है, तो ये बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ में क्या होगा कि अगर आपको सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बहुत ही जल्दी जो है वो रिलीज हो जाता है तो उसमें भी ये कमी करता है, क्योंकि जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है उसको ये कम करता है, क्योंकि इसके अंदर होता है क्या, क्लोव का और लौंग का तेल जो कि क्या करता है, सेंसिटिविटी को रोकता है। अगर छोटा मोटा कोई इन्फेक्शन है तो उसको भी खत्म करता है। और अगर ड्राइनेस बहुत ज़्यादा रहती है तो इसकी वजह से भी आपका टाइमिंग कम हो जाता है तो उसको भी कम करता है, बिल्कुल हाइड्रेट करके रखता है आपके जो प्राइवेट पार्ट है उसको और मॉइस्चराइज भी करता है। तो अगर आपको ये जो कॉम्बो है ये खरीदना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, खरीद सकते हैं, इतने परसेंट आपको डिस्काउंट भी मिलेगा जो कि काफ़ी अच्छा है। और स्क्रीन के ऊपर आपको नंबर मिल रहे हैं, अगर आप कॉल करके इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप कॉल करके जान सकते हैं और इसको ऑर्डर कर सकते हैं जो भी होगा। तो इसी तरीके से इसमें भी होता है, अगर आप ये ऐसा करते हैं, खुद से इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, किसी भी तरीके से ब्लेड से या फिर और भी किसी औजार से अगर आप उसको काटने की कोशिश करते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें, आपके लिए बहुत ही गलत बात है ये अगर आप ऐसा करते हैं तो, क्योंकि ऐसा करने से यहाँ की जो स्किन है वो हार्ड हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, मतलब स्कारिंग हो जाएगी और क्या होगा, यहाँ पर और भी ज़्यादा खिंचाव महसूस होगा आपको, ठीक है, तो आपकी प्रॉब्लम कम होने के बजाय और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। फिर उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही इलाज बचेगा जो कि है सर्जरी, वो सर्जरी ही करवानी पड़ेगी, ठीक है। और भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि अगर कोई डायबिटिक पर्सन है या फिर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन है, मतलब जिसकी इम्यूनिटी वीक रहती है, कोई भी अगर घाव हो गया तो जल्दी से नहीं भरता है, उसको खुद से पहले कोई प्रॉब्लम चल रही है बॉडी में, तो अगर वो खुद से इसको हटाने की कोशिश करता है या फिर खींचता है ज़बरदस्ती, तो यहाँ पे उसकी जो हीलिंग की जो प्रोसेस है और भी डिले हो जाएगी और भी ज़्यादा दिक्कतें उसको आ सकती हैं, ठीक है। तो ऐसा खुद से तो बिल्कुल भी ना करें, मैं यही कहूँगी बार बार। और अब हम समझते हैं कि अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ी बहुत दिक्कत है, ज़्यादा नहीं है,
लेकिन आपको फिर भी डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि जरूरी नहीं आपको सर्जरी हो, उसमें दवाइयों से भी ठीक हो जाता है। कुछ ऐसे क्रीम्स दी जाती हैं जो कि आप यहाँ पे लगाते हैं तो ये जो बैंड है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, ये लचीलापन बढ़ जाता है, जिससे कि आगे पीछे जो स्किन है वो मूव इजिली कर पाती है। अब एक और दिक्कत, कुछ लोग क्या समझते हैं कि उनकी जो स्किन है वो पूरी तरीके से पीछे नहीं जा रही, तो उनको एक जो दिक्कत होती है जो हमने बहुत ही डिटेल में बात की है कि जो फाइमोसिस की दिक्कत होती है कि जो स्किन है जो आगे की जो मूवेबल स्किन होती है आगे पीछे होने वाली वो होती नहीं है, तो वो यही समझ लेते हैं कि मुझे फाइमोसिस की प्रॉब्लम है। बट इसमें डिफरेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको फाइमोसिस नहीं है, हो सकता है कि जो बैंड है ठीक है फेनोलम है ये ही क्या हो गया है टाइट हो गया, किसी में इसी की दिक्कत होती है तो उसमें ऑपरेशन की बहुत कम जरूरत होती है, बहुत ही कम लोगों को होती है, सबको नहीं होती है ठीक है। अगर फिर भी ऐसा लगता है कि कोई दिक्कत है तो पहले आपको डॉक्टर से ही मिलना चाहिए, उनके थ्रू पूरा समझना चाहिए कि आपको एक्चुअल में फाइमोसिस की दिक्कत है कि स्किन पीछे नहीं हो रही है या फिर सिर्फ इसकी वजह से ही पीछे नहीं हो रही है। अगर इसकी वजह से है तो डॉक्टर, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर सिर्फ दवाई से भी इसको ठीक कर देंगे और आपकी जो आगे पीछे जो स्किन है वो आराम से होने लग जाएगी ठीक है। कुछ स्टीरॉयड क्रीम्स आती हैं जिनकी वजह से ऐसा ठीक भी हो जाता है। अब हम ये जान लेते हैं, अगर आपको ये वीडियो देखना है कि जो स्किन पीछे नहीं हो रही तो यहाँ पे लिंक दी हुई है, आप उसको देख सकते हैं और अपने डाउट है वो क्लियर कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं कि क्या इसके सोल्यूशन है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो क्या सोल्यूशन है। देखिए थोड़ी बहुत दिक्कत है तो कभी कभी अपने आप ठीक हो जाती है, अगर आपको ठीक नहीं होती है थोड़ा सा भी डिस्कम्फर्ट फील होता है तो आप क्या कर सकते हैं, डॉक्टर से आपको ज़रूर मिलना है, क्योंकि आगे प्रॉब्लम बढ़ाने के बजाय उसको वहीं पर ख़त्म कर देना ही ठीक होता है। तो उसको आप दवाई से ठीक करवा लेंगे। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, जो कि 2-3% जो लोग होते मैंने बताया जिनका बहुत ही या तो ये शॉर्ट है ठीक है, ये जो बैंड है फ्रेनुलम है ये बहुत ज़्यादा छोटा है या फिर ये बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत सख्त हो चुका है, तो उस टाइम में उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो सर्जरी भी बहुत तरीके की जाती है, कुछ क्या करते हैं इसको हटा देते हैं ठीक है, कभी कभी क्या है कि इसका जो आगे की जो स्किन है उसको भी थोड़ा काटा जाता है। किसी किसी में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और साथ में जो फाइमोसिस है हो सकता है वो दिक्कत भी हो ठीक है, या फिर यहाँ पे अंदर भी कोई इन्फेक्शन बन गया हो तो इस ये जो स्किन है यहाँ तक जो हेड को जो कवर करती है उसको कंप्लीट ही रिमूव करना पड़ता है। तो ये एक तरीके से परमानेंट सोल्यूशन है, लेकिन कभी कभी क्या होता है डॉक्टर से भी कोई चूक हो जाती है जिसकी वजह से क्या हो सकता है कि यहाँ का जो ये जो हेड वाला रीजन है इसमें थोड़ा झुकाव आ जाता है ठीक है, मतलब थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा ये जो हिस्सा है वो दिखता है। कभी कभी क्या हो जाता है अगर आप बहुत ही अच्छे डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं तो और भी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि यहाँ पे जो स्कारिंग की जो प्रॉब्लम होती है, अगर आपने पार्शियली इसको हटवाया है, जो स्किन है उसको थोड़ा ही हटवाया है, आधा हटवाया है और इसको ठीक करवा लिया, तो क्या हो जाता है आगे की, मान लीजिए इतनी स्किन को काट दिया, आगे की स्किन को काट दिया ठीक है, तो यहाँ पे जो स्किन बचेगी उसमें स्कारिंग हो जाएगी और ये जो स्कार है इसका मतलब वो जो स्किन है वो और भी ज़्यादा टाइट होगी, तो अब तो बिल्कुल भी पीछे नहीं जा रहा है ठीक है, जो स्किन है वो बिल्कुल ही पीछे नहीं जा रही है, तो उसकी वजह से दिक्कतें और भी ज़्यादा किसी किसी की बढ़ जाती है। तो अगर आप कोई भी इलाज करवाते हैं, सर्जरी करवाते हैं, तो ये कोई छोटी बात नहीं होती है, पहले आपको बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि किस तरीके का ये हॉस्पिटल है, कैसे डॉक्टर्स हैं, कितने इनको एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पे आपको जाना चाहिए। तो अगर आप ये सर्जरी करवाते हैं किसी अच्छे हॉस्पिटल से करवाइए अगर आपको करवानी है तो, और इसमें टाइमिंग कितना लगता है, तो ये बिल्कुल भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, आपको बहुत ही जल्दी ये सर्जरी कर दी जाएगी, मतलब इसमें 3-5 मिनट्स का टाइम लगता है, फटाफट इसको फ्रेनुलम के जो ये है इसको हटा दिया जाता है ठीक है, और आपको एडमिट रहने की भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद बस आपको इतना ध्यान रखना होता है कि एक वीक के लिए यहाँ पे जो स्किन है उसको आप मूव नहीं करवा सकते, आगे पीछे नहीं करना है, सिर्फ उसको पट्टी करके छोड़ देते हैं। और कुछ स्टिचेस होते हैं, मतलब बहुत अलग अलग तरीके की सर्जरी होती है, किसी में स्टिच होते हैं किसी में नहीं होते, खुद में ही डिसॉल्व हो जाते हैं, तो ये डॉक्टर आपको बहुत अच्छे से डिफाइन करके बता देंगे। लेकिन अगर किसी को दिक्कत है तो उसको जूझने की बजाय उस चीज़ से आप निजात भी पा सकते हैं ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में मैं आपकी हेल्प कर पाई हूँ, अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, स्टडी विद मी चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ कर लीजिए।
ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करते हैं और नोटिफिकेशन बेल को दबा देते हैं तो जो भी मेरे वीडियो आते हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिलते हैं, ठीक है। और आप मुझसे लाइव प्रीमियर में भी जुड़ सकते हैं, चैट कर सकते हैं, वहाँ पर मुझसे बात कर सकते हैं। और अगर आप फिर भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है, कोई डाउट रहता है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों के कमेंट्स या फिर मैसेज जो बहुत नीचे चले जाते हैं, ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे मैं कभी कभी नहीं देख पाती हूँ, नहीं तो मैं सबके जो है क्वेश्चंस मैं नोट कर लेती हूँ और उनके ऊपर मैं वीडियो बनाने की जरूर सोचती हूँ। वहाँ पे जवाब अगर मैं नहीं भी दे पाती हूँ तो आप लोगों के लिए वीडियो जरूर बना देती हूँ, ठीक है। तो अगर कोई भी अगर डाउट रहता है तो मुझे आप सीधे क्वेश्चन टाइप कर दीजिए और लिख दीजिए कि ये क्वेश्चन है या फिर ये डाउट है, तो मैं आपको जरूर से जरूर जवाब दूंगी या फिर उसके लिए वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।